फ्रेंड्स, ये है इंफ्रारेड एलईडी सेंसर लैंप, लेकिन किसी और सेंसर लैंप से ये बहुत ही अलग है। वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है डिमिंग फंक्शन। मोस्टली हम पीआईआर मोशन सेंसर्स में डिमिंग फंक्शंस देख नहीं पाते, लेकिन ये वाला जो सेंसर लैंप है दोस्तों, वो आपको डिमिंग फंक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कुछ टाइम के बाद इसकी जो लाइट की पावर है वो थोड़ी सी डिम हो जाती है। सो बेसिकली ये जो मोशन सेंसर लैंप्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के लिए ही यूज किए जाते हैं, और साथ ही साथ होम ऑटोमेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं। ये जो लैंप्स होते हैं दोस्तों, मोशन सेंस करने के बाद ऑन हो जाते हैं, और जैसे ही वहां पर कोई मोशन नहीं होती है ये ऑफ हो जाता है, दस सेविंग द एनर्जी। तो यहाँ पर जो लैंप है वो आप देख सकते हो कितना बढ़िया डिजाइन है इसका। इसके जो फ्रंट साइड में लगा हुआ है वो पूरे लाइट का डिफ्यूजर है। आप इसकी बॉडी भी देख सकते हो, एबीएस प्लास्टिक मटेरियल की बॉडी यहाँ पर यूज की जाती है। नीचे की साइड यहाँ पर पीआर मोशन सेंसर लगा हुआ है, और साथ ही इसके लगे हैं कुछ एडजस्टिंग नॉब्स। तो बेसिकली इस पीआर मोशन सेंसर में आपको तीन फंक्शंस, तीन फीचर्स एडजस्टेबल मिल जाते हैं। सबसे पहला है दोस्तों स्टैंड बाय टाइम। तो इसमें स्टैंड बाय टाइम है 0 सेकंड से लेके इनफाइनाइट तक, जिसमें 2 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 5 आवर्स, ऐसी चॉइसेस दी हुई है। तो स्टैंड बाय टाइम किस लिए यूज होता है वो अभी हम आगे देखेंगे। सेकंड है लक्स यानी एम्बियंट लाइट। सो ये दिन में भी काम करेगा, रात में भी काम करेगा। दिन में काम करवाने के लिए इसको आपको सन पर सेट करना है, और रात में काम करवाने के लिए इसको आपको मून पर सेट करना है। थर्ड है दोस्तों टाइम डिले, जो है मिनिमम 10 सेकंड से लेकर मैक्सिमम 15 मिनट का। अगर पीआईआर मोशन सेंसर की बात करूं तो यहां पर इसके ऊपर एक कवर मिल जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो डिटेक्टिंग रेंज है वो आप लिमिट कर सकते हो। वैसे इसकी जो डिटेक्टिंग रेंज है वो है 180 डिग्रीज, और मैक्सिमम डिटेक्टिंग डिस्टेंस है 10 मीटर का। तो ये जो है वो इस वाले साइड में पूरा सेंस करता है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर इसकी कवर लगा देते हो तो ये सिर्फ इतने से एरिया पर ही सेंस करेगा। यानी इसके ऊपर का जो साइड है, या नीचे का साइड भी बोल सकते हो, जैसे भी आप इसे लगाओगे वैसे उतने एरिया पर ही ये मोशन सेंसर सेंस करेगा। तो ये एक बढ़िया सा फंक्शन इसमें मिल जाता है। इसकी बढ़िया बात यह है दोस्तों कि इसका जो प्लास्टिक कवर आपको मिल जाता है पीआईआर के ऊपर का, उसे आप उस अल्फाबेट पर यानी जो एबीसी लिखा हुआ है आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वहां पर कट कर सकते हो। तो उस हिसाब से ये आपको अलग अलग डिटेक्टिंग रेंज प्रोवाइड करेगा। ये फैसिलिटी हर किसी पीआर मोशन सेंसर में नहीं मिलती है। बाकी 220 वोल्ट्स पर ये चलता है दोस्तों, और इसकी इंस्टॉलेशन हाइट है 1.8 से 2.5 मीटर्स। अभी बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके पूछा है कि ये छोटे कीड़े मकोड़ों या फिर जो पेट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करेगा क्या। तो ऑब्वियसली ये तो जरूर करेगा, क्योंकि एवरी लिविंग बींग को ये पीआर मोशन सेंस करता है। इसीलिए इसकी जो इंस्टॉलेशन हाइट है वो इतनी दी जाती है, ताकि किसी भी एवरेज पेट की हाइट से ज्यादा होती है, तो इसीलिए बार बार ये पेट को डिटेक्ट नहीं करता। अभी स्टैंड बाय टाइम की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्टैंड का मीनिंग है डिमिंग लेवल, तो 15%, 100% ऐसे इसके डिमिंग लेवल है। स्टैंड बाय पीरियड का दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आपने 2 मिनट का सेट किया तो 2 मिनट के स्टैंड बाय टाइम में ये शुरू का जो टाइम है वो 100% ब्राइटनेस पर रहेगा, उसके बाद 15% पर आ जाएगा, और आफ्टर 2 मिनट्स इट विल टर्न इटसेल्फ ऑफ। अगर 30 मिनट का आप लेते हो तो 30 मिनट के स्टार्टिंग के टाइम में ये 100% ब्राइट रहेगा, उसके बाद 15% पर आ जाएगा, और आफ्टर 30 मिनट्स इट विल टर्न इटसेल्फ ऑफ। अगर आप इन्फिनिट चूज करते हो तो ये 100% और 15% के बीच में काम करता रहेगा, लेकिन ऑफ कभी नहीं होगा। ये होता है इनफाइनाइट का मीनिंग। अगर मैं पावर की बात करूं तो इसके अंदर जो एलईडीज लगी है वो टोटल आपको 20 वॉट का पावर आउटपुट देती है, तो 20 वॉट इज क्वाइट ब्राइट। बाकी इसकी वायरिंग अभी हम देखते हैं। तो इसे ओपन करने के लिए इसके ऊपर ये जो डिफ्यूजर लगा है उसके बॉर्डर्स पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ऐसे मार्किंग्स दिए हैं, तो उनमें स्क्रू ड्राइवर या कुछ डालकर आपको इन्हें ओपन कर लेना है ध्यान से। इसे ओपन कर लेने के बाद ये पूरा बाहर आ जाएगा, और इसके अंदर की एलईडीज वायरिंग का जो कनेक्शन है वो ओपन हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर वायरिंग भी बहुत ही सिंपल है, कोई स्क्रू वगैरह नहीं है। सिंपल पुश करके आपको इसके अंदर वायर डालनी होती है, एक लाइन और एक न्यूट्रल। वायर डालने के लिए यहाँ पर वायर का एक होल भी दिया जाता है, जिससे वायरिंग भी प्रॉपर हो जाए। अगर आपको इसे वॉल पर या सीलिंग पर हैंग करना है तो उसके लिए यहाँ पर होल्स दिए हैं, उसके थ्रू इसके साथ मिलने वाले जो स्क्रूज है आप यहाँ पर ड्रिल करके इससे इंस्टॉल कर सकते हो वॉल पर या फिर सीलिंग पर। तो चलिए अब इसकी वायरिंग करते हैं। मैंने यहाँ पर एक सादी सी वायर ली है 230 वोल्ट्स वाली, इसे मैं इस वायर होल के थ्रू डालकर इस लाइन और न्यूट्रल के अंदर लगा देता हूँ। अब दोस्तों इसके ऊपर इसका डिफ्यूजर लगा देते हैं और इसे करते हैं टेस्ट।
ये एक IP65 रेटेड प्रोडक्ट है दोस्तों, तो इंडोर आउटडोर दोनों जगह पर आप इसे यूज कर सकते हो। इसके ऊपर दोस्तों आप लेटर लगाकर भी कोई साइन बोर्ड बना सकते हो, जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसकी वर्किंग देखते हैं। परफेक्ट। सो आपको ये PR मोशन सेंसर लैंप कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो मैंने ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक जो इसके सेलर हैं उनसे बल्क क्वांटिटी में लेने के लिए उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना। और ऐसी कुल वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।